तो कैम जो मित्रों, मैं हूं कल्पित और आज मैं आपको बताने वाला हूं 7 ऐसी टिप्स जो कि मेरे जैसे पतले बंदों के लिए बहुत ही काम की चीज है। ये 7 टिप्स आपके लिए गेम चेंजर हो सकती है। टिप्स को शुरू करने से पहले मैं आपको एक बोनस टिप देना चाहता हूँ। अगर आप एक पतले बंदे हो तो फैशन का एक थंब रूल याद रख लो। रूल ये है कि पतले बंदों को अपने वर्टिकल कंपोनेंट यानी कि हाथ, पैर और गर्दन को ढकना होगा और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यानी कि चेस्ट और कमर को दिखाना होगा। तो ये सारी टिप्स उसी चीज़ के आसपास है कि कैसे आप अपने वर्टिकल कंपोनेंट को ढक सकते हो और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को दिखा सकते हो। टिप नंबर 1 है, फुल स्लीव टी शर्ट पहनिए। फुल स्लीव टी शर्ट हमारे पतले हाथों को ढक देती है और उस पर एक्स्ट्रा फैब्रिक ऐड करती है, जिससे कि देखने वाले की नज़र में इल्यूजन क्रिएट होता है कि हाथ इतने पतले नहीं हैं। अब टी शर्ट की बात निकली है तो फिर पोलो टी शर्ट को कैसे भूल सकते हैं। टिप नंबर 2 है, पोलो टी शर्ट पहनिए। पोलो टी शर्ट पहनने के 3 बहुत बड़े फायदे हैं। फायदा नंबर 1 है, इसके अंदर कॉलर आते हैं। ये कॉलर हमारे वर्टिकल कंपोनेंट यानी कि गर्दन को ढकने में मदद करते हैं। दूसरा बेनिफिट है, पोलो टी शर्ट के कॉलर चेस्ट पे वी शेप बनाते हैं और ये वी शेप एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, जिससे कि हमारी चेस्ट थोड़ी चौड़ी दिखती है। बेनिफिट नंबर 3 है, इसके स्लीव्स पे इलास्टिक आता है और ये इलास्टिक हमारे हाथों पर अच्छे से चिपक जाता है, इससे हमारे हाथों को एक्स्ट्रा मास मिलता है। टिप नंबर 3 है, जितना हो सके उतना शर्ट पहनिए, क्योंकि शर्ट के अंदर कॉलर भी आते हैं, वी शेप भी आती है और फुल स्लीव्स भी आती है, तो पतले बंदों के लिए शर्ट एक बेस्ट ऑप्शन है। टिप नंबर 4 है, इंसर्ट करो। शर्ट पहन रहे हो या फिर टी शर्ट, दोनों को पैंट के अंदर डाल दो। इससे आपकी कमर के आसपास एक्स्ट्रा फैब्रिक ऐड हो जाएगा और ये आपकी कमर को बड़ा दिखाएगा। टिप नंबर 5 है, स्लीव्स को ऊपर रखें। स्लीव्स को ऊपर रखने से क्या फ़ायदा होगा? स्लीव्स को ऊपर रखने से फ़ायदा ये होगा, ये जो मैसीनेस दिख रहे हो, ये मैसीनेस हमारे हाथ को भरा हुआ दिखाएगी। टिप नंबर 6 है, कलर की। डार्क कलर मत पहनो। देखो यार, मैं जानता हूँ कि ब्लैक कलर बहुत अच्छा लगता है और हर कोई पहन सकता है, लेकिन अगर आप एक पतले बंदे हो तो डार्क कलर को अवॉइड करो। इसके पीछे एक साइंटिफिक रीज़न है। साइंटिफिक रीज़न ये है कि डार्क कलर जो होते हैं वो लाइट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जबकि उससे उल्टा लाइट कलर लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं। अब जब लाइट एब्जॉर्ब हो जाती है तो वो चीज़ छोटी दिखती है, जब लाइट रिफ्लेक्ट होती है तो वो चीज़ बड़ी दिखती है। तो हमें अपने आप को बड़ा दिखाना है तो हमेशा लाइट कलर के कपड़े पहनिए, जिससे कि लाइट रिफ्लेक्ट हो और आप बड़े दिखो। हाँ, टिप नंबर 7 है, लेयरिंग कर दो। लेयरिंग हम जैसे पतले बंदों के लिए गेम चेंजर है, क्योंकि लेयरिंग करने से हमारी बॉडी पे एक्स्ट्रा मास ऐड हो जाता है और हम बड़े दिखते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना, ये चीज़ बहुत सारे लोग गलत बोल बताते हैं, आपको गलत सजेस्ट करते हैं कि जैकेट पहनो, स्वेटर पहनो। इंडिया में ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, सच्ची बोल रहा हूँ। इंडिया में बहुत ही ज़्यादा गर्मी होती है, सिर्फ 4 महीने जो सर्दी होती है वहाँ पे भी आप पहन सकते हो जैकेट, लेदर जैकेट, वॉर्मर जैकेट वगैरह, लेकिन जो 8 महीने बचे वहाँ पे इतनी गर्मी होती है कि अगर आपने लेदर का फिर कुछ भी पहन लिया तो आप पसीने से गीले हो जाओगे। तो मैं सजेस्ट करूँगा लीलन और कॉटन, ये दोनों ऐसे शर्ट है, ये दोनों ऐसे मटेरियल है जिसके शर्ट आपको बहुत ही हल्के रहेंगे और वेंटिलेशन प्रोवाइड करेंगे, यानी कि हवा को अपने आपके इस बॉडी में से पास करने देंगे। तो हो सके तो ऐसे लीलन और कॉटन के शर्ट ढूंढो जिसे आप लेयरिंग के तौर पे यूज़ कर सकते हो। ये जो 7 टिप्स थी, इन सबको मैंने ट्राई किया है और ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है, आप भी इसे ट्राई करो। और अगर आपके पास भी ऐसी कोई टिप्स है तो मुझे कॉमेंट में बताओ, इन सबको मैं ट्राई करूँगा और अगर अच्छी लगी तो अपनी नेक्स्ट वीडियो में ऐड करूँगा। तो मेक श्योर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और ऐसे ही नए कंटेंट के लिए, ऐसे ही नए वीडियो इन्फॉर्मेटिव और ऐसे ही नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।